नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्रिएटिव के 2.1 चैनल स्पीकर को ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर बनाएंगे। ये पहले से सिंपल स्पीकर है जो कि 3.5 जैक के थ्रू वो ऑपरेट होता था, मगर आज हम लोग इसको वायरलेस बनाएंगे थ्रू ब्लूटूथ डोंगल के थ्रू। आगे वीडियो में देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये क्रिएटिव का 2.1 चैनल नॉर्मल स्पीकर है जो 3.5 mm जैक पर ऑपरेट होता है, और देखिए हम लोग ने ऑनलाइन मंगाया है। ये ब्लूटूथ डोंगल है जो इसको बोलते हैं हम लोग, ब्लूटूथ रिसीवर, ऑडियो रिसीवर भी बोलते हैं इसको। ये अमेजोन से मैंने मंगाया था। ये अप्रॉक्स 100 to 125 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ये आ जाता है। काफ़ी सस्ता है, और आप 125 रुपये में आप अपना नॉर्मल स्पीकर को ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। ये 2.1 क्रिएटिव का जो स्पीकर है, इसमें दो छोटे बॉक्स होते हैं और एक बूफर होता है। और ये हम लोगों ने जो मंगाया था ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर, इसमें एक डोंगल होता है और इसके साथ 3.5 mm बोथ साइड जो जैक होता है लगा हुआ आता है, और हम लोग इसका भी कनेक्शन करेंगे। आगे देखिए वीडियो में। अभी हमें एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारा जो स्पीकर है उसमें जो इनपुट यूनिट है वो AV केबल का जो जैक दिया हुआ है, और हमें चाहिए था 3.5 mm जैक जो कि डोंगल से कनेक्ट हो सके, मगर इसका भी हमारे पास जुगाड़ है। हम लोग वायर को कट कर देंगे, और हमारे पास जो डोंगल है उसके साथ में जो वायर आया है उसको कट करके हम लोग उसके साथ में जोड़ देंगे कुछ इस तरह। हमारा कनेक्शन तो हो चुका है, मगर अब जो डोंगल है उससे हमें पावर सप्लाई देना है। उसके लिए हमें चाहिए एक जो नॉर्मल मोबाइल चार्जर होता है USB वाला, उसे हम लोग उसे कनेक्ट कर देंगे जिससे 5 वोल्ट उसे वोल्टेज मिलेगा और वो ऑपरेट करेगा।
अब हमारा डिवाइस रेडी है, अब हम लोग मोबाइल के स्क्रीन में देखेंगे कैसे इसे कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ में। सबसे पहले हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं कि सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर हम लोग वायरलेस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और इसमें आप ब्लूटूथ ऑप्शन को ओपन करेंगे। अगर ओपन है वो ऑन किया हुआ है तो इसे एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे जिससे हमें दिखेगा, देखिए हमारा जो डिवाइस है दिखता है दिख रहा है BT163। इससे हम इसे पेयर करेंगे। पेयरिंग के समय में कभी कभी पासवर्ड मांगता है तो 4 बार 0 पासवर्ड हम लोग डालेंगे इसमें, कभी नहीं मांगता है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा से हम लोग इसे ट्राई करेंगे। देखिए हमारा डिवाइस कनेक्टेड हो गया है, अब हम इसमें जो भी वीडियो प्ले करना चाहते हैं, ऑडियो प्ले करना चाहते हैं वो प्ले होगा और स्पीकर में आवाज़ आएगी। Bluetooth mode. Thank you for watching my channel.